सिंधु तीर एक भूदर सुंदर कौतुक कुदी चढ़ उता ऊपर बार बार रघुबीर संभारी करके उपवन तले बल भारी। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था, क्या नाम है पर्वत का? सुंदर। तो ये जो प्रसंग है, ये जो कथा है, सुंदर पर्वत से शुरू होती है और सुंदर पर्वत पर ही खत्म होगी। ये जो सुंदर कांड का प्रसंग है, कथा है, सुंदर पर्वत से ही शुरू होगी और सुंदर पर्वत पर ही खत्म होगी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सुंदर कांड। कभी किसी से आप पूछिए कि भैया सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कथा सुंदर पर्वत से शुरू होती है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड पड़ा। तो समुद्र के किनारे एक पर्वत था सुंदर, हनुमान जी खेली खेल में अनायास अचानक कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का सिमरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछल पड़े। क्या बात है, आराम। जय गिर चरण देई हनुमंता चले उसोगा पाताल तुरंत जिमिया मोग रघुपति करबाना एही भांति चले उ हनुमान। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस तरह से वो उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। वो पर्वत जो था पाताल में धंस गया क्योंकि हनुमान जी इतने वेग से उछले। लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, यही होता है ना न्यूटन का थर्ड लॉ। तो जब हनुमान जी ने पोजीशन ली, थोड़ा पीछे झुके और आगे छलांग मारी, तो पीछे जो पताल जो पर्वत था धंस गया। दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। इतने वेग से, इतने बल से हनुमान जी ने छलांग लगाई और जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। श्री राम जी को अमोघ बाण मिले हुए थे, श्री राम जी के तरकस में क्या थे? अमोघ बाण। अमोघ बाण में क्या खासियत होती है कि जब श्री राम जी उस अमोघ बाण को चलाते थे तो वो अपने लक्ष्य को भेदने के बाद वापिस अपने तरकस में आ जाता है। उसी प्रकार हनुमान जी उसी अमोघ बाण की तरह चल पड़े कि जो अमोघ बाण जाएगा अपना लक्ष्य पूरा करेगा, काम पूरा करेगा और लौट के राम जी के पास आ जाएगा। देखिए मैं आपको साथ में परिभाषाएं समझाता हुआ चलता हूं, याद रखिएगा। चल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैं नाक होई श्रम हारी राम से आराम से आराम जय जय राम राम से आराम जय जय राम। अब हनुमान जी तीर की तरह बाण की तरह चले जा रहे हैं। समुद्र ने देखा, जो समुद्र देवता हैं आपको पता है पूर्व जन्म में ये राजा रत्नाकर थे और
समुद्र देवता को जब समुद्र मंथन हुआ था तो माता लक्ष्मी के पिता के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी का उद्भव समुद्र से हुआ था। समुद्र मंथन के समय, जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई और भगवान विष्णु के पास चली गई। इसलिए समुद्र देवता को माता लक्ष्मी का पिता कहा जाता है। और पिछले जन्म में माता लक्ष्मी राजा रत्नाकर के घर पैदा हुई थी। राजा रत्नाकर ही समुद्र देवता थे। क्या बात! तो जब समुद्र नारायण ने देखा कि श्री राम जी का कार्य बनाने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं, थक गए होंगे, तो समुद्र देवता ने मैनाक पर्वत से कहा कि है मैनाक, देखिए ये राम उदित हनुमान जी राम का कार्य बनाने के लिए जा रहे हैं, आप तनिक समुद्र से बाहर आइए ताकि आपके ऊपर ठहर कर हनुमान जी विश्राम कर सकें। अब समुद्र में तो उतर नहीं सकते हनुमान जी, इसलिए कहाँ उतरेंगे, पर्वत के ऊपर। तो है मैनाक पर्वत, समुद्र के बाहर आइए और अपने ऊपर इन्हें विश्राम दीजिए। हनुमान तहि पर साकर मुनि कीन प्रणाम, राम का दुखी ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर आते हैं, हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, मैं तुम्हारे पिता पवन देव का मित्र हूं, आइए आप मेरे ऊपर ठहर कर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि जो पिता का मित्र होता है वो भी पिता के समान होता है, इसलिए सबसे पहले तो हे काका मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया और उन्हें अपने हाथ से छू लिया और फिर प्रणाम करके कहा कि काका मैं श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना विश्राम नहीं कर सकता हूं, कि राम काजू कीन्हे बिनु मोही कहां विश्राम, कि राम काज करने के बिना मोही मुझे कोई विश्राम नहीं है। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूं बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम आहित कह माता, पठन आई कही ते बाता। अब पवन देवता जा रहे हैं, पवन देव पवन पुत्र हनुमान जी उड़ते हुए आगे चल दिए। मैं नाग पर्वत से क्षमा याचना मांगी, मैं ठहर नहीं सकता, मुझे राम काज के बिना विश्राम नहीं है। हनुमान जी प्रणाम करके आगे चल दिए। अब देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा कि राम जी कार्य के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा किससे, सर्पों की माता सुरसा। तो सर्पों की माता देवी कह सकते हैं सुरसा माता। उन्हें ऐसा वरदान था कि जिस किसी को वो वरदान दे दें विजय होने का, वो कभी भी पराजित होकर नहीं लौट सकता। तो देवता लोग सुरसा माता के पास गए और उनसे विनती करी कि जाकर आप हनुमान जी को विजय होने का आशीर्वाद दीजिए। तो सुरसा माता ने कहा मैं ऐसे वरदान नहीं दूंगी, मैं पहले परीक्षा लूंगी।
तो देवताओं ने कहा ठीक है, ये अच्छी बात है, आप हनुमान जी का जाके एग्जाम लीजिए, जाके हनुमान जी की परीक्षा लीजिए उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए। उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेज दिया। अब सुरसा माता राक्षसी का रूप धर के हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए आ गई और उसने आकर हनुमान जी से क्या कहा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बदन कह पवन कुमार, राम काज कर फिर मैं आव, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाव। हनुमान जी से कहती है आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा हे माता, मैं श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मुझे आप अपना भोजन बना लेना, मुझे अभी जाने दीजिए, मुझे अभी जल्दी है, मुझे श्री राम जी का काम बना के आना है। सुरसा मानती नहीं है, नहीं मैं तो आज तुमको खाऊंगी, तुम मेरा भोजन हो। हनुमान जी कई प्रकार से याचना करते हैं, विनती करते हैं, सुरसा है कि मानती नहीं है। तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कब ने हूँ जतन दे नहीं जान, ग्रससी न मोहि कहे हनुमान। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैं जाके श्री राम जी का कार्य कराऊं और फिर लौट आऊंगा, एक बार राम जी को माता सीता की खबर दे दूं, फिर लौट के स्वयं आपके मुख में चला जाऊंगा और तब मैं आकर आपके मुंह में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। हे माता मैं सत्य कहता हूं, मुझे अभी जाने दो। तब किसी भी उपाय से सुरसा ने तो जाने नहीं दिया। तो हनुमान जी ने कहा तो फिर आओ मुझे खाओ। जो जन भरते ही बदन पसार, कपुतनु कीन सुगुन विस्तार, सो रह जो जन मुक्ते ही ठयउ, तुरत पवन सुत बत्तिस भयउ। अब देखिए हनुमान जी का बल भी देखिए और बुद्धि भी देखिए। कि सुरसा ने अपना मुंह खोला, एक योजन का मुंह खोल लिया, हनुमान जी तुरंत ही दो योजन के बन गए। सुरसा ने देखा हनुमान जी दो योजन के हैं, तो सुरसा ने चार योजन का मुंह खोल लिया, दुगना मुंह खोल लिया, हनुमान जी आठ योजन के बन गए। सुरसा ने आठ योजन देखा तो सुरसा ने 16 योजन का मुख खोल लिया, हनुमान जी 32 योजन के बन गए। इस प्रकार सुरसा अपना मुख का आकार बढ़ाती रही, हनुमान जी भी अपना आकार बढ़ाते रहे। सुरसा का मुख खुलता जा रहा है, हनुमान जी जैसे ही देखते हैं सुरसा अपना मुंह बड़ा करती है, हनुमान जी अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेते हैं और जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार करती, हनुमान जी दूना रूप दूना आकार धारण कर लेते। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जनते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। और जैसे जैसे लीला देखिए हनुमान जी की, हनुमान जी सुरसा के मुख से बड़ा अपना शरीर का आकार करते जाते हैं।
खा मुझे कैसे खाएगी। और ऐसा करते करते सुरसा ने 100 योजन का मुख कर लिया। कितना हो गया? 100 योजन अर्थात 400 कोस अर्थात 1200 किलोमीटर, जितना बड़ा समुद्र है। हनुमान जी ने देखा कि इतना बड़ा मुख कर लिया है, हनुमान जी तुरंत ही छोटे से बन गए, मच्छर के समान बन गए और उसके मुख में घुस गए। बदन पैठी पुनि बाहर आव, मांगा विदाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागि पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा। सुरसा ने अपना मुख इतना बड़ा कर लिया, हनुमान जी ने छठ से छोटा रूप धारण किया और सुरसा के मुख के अंदर चले गए, उदर में चले गए। सुरसा की किडनी, लीवर, उदर, फेफड़े सब जांच लिए, सबकी जांच कर दी। हनुमान जी ने सुरसा की एंजियोग्राफी कर ली और तुरंत ही बाहर आ गए। अब लोग कहते हैं कि सुरसा ने एकदम से मुंह क्यों नहीं बंद कर लिया। अरे भैया, सुरसा का मुख का जब आकार इतना बड़ा है, खुलने में समय लिया है तो बंद होने में समय लेगा। छोटे मच्छर के समान हनुमान जी तुरंत बाहर आ गए। तो उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर वो बाहर निकल आए और उसे सर नवाकर विदा मांगने लगे। देखो सुरसा माता, अब तो मैं आपके मुंह में होकर वापस बाहर भी आ गया। तो सुरसा कहती है, मैं तुम्हें खाने थोड़ी ना आई थी, मैं तो देवताओं के कहने पर तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुमने अपना बड़ा शरीर दिखाकर, इतना विशाल काय शरीर दिखाकर अपना बल दिखा दिया और तुरंत ही छोटा आकार दिखाकर अपनी बुद्धि का परिचय दे दिया। तो हे हनुमान, तुम बुद्धि और बल दोनों में ही श्रेष्ठ हो और तुम उस परीक्षा में पास हुए जिसमें जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजू सब करिहौ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष नहीं गई सो हर्ष चले हनुमान। मेरे राम, सीताराम, राम राम, सीताराम, सीताराम, राम राम। देखिए जी, अब जो पाठ चलेगा ना, ये आज से जो पाठ शुरू हुआ है, सुंदरकांड का पाठ है। और सुंदरकांड का पाठ कैसा है? व्याख्या सहित, यानी कि जो मैं पाठ कर रहा हूं, चल रहा है, ये विशेष फल देने वाला है और फलों में भी विशेष फल देगा। ये आपकी मनोकामना पूरी करेगा, क्योंकि ये व्याख्या सहित सुंदरकांड का पाठ है। इस पाठ को शेयर करते हुए चलिए, अधिक से अधिक शेयर करते हुए चलिए। इस पाठ को शेयर करने का बड़ा अधिक पुण्य फल आपको मिलेगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो सुरसा माता हनुमान जी से कहती हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। निश्चरी एक सिंधु महु रहई, करी माया नभु के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परिछाही। उस समुद्र में एक राक्षसी रहती थी,
वो राक्षसी कहती कैसी थी कि वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। कैसे कि पक्षी तो ऊपर उड़ रहा है और पक्षी की छाया नीचे समुद्र में बन रही है, तो छाया पकड़ के पक्षी को खींच लिया करती थी और पक्षी का भक्षण कर लेती, पक्षी को खा जाया करती थी। तो आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई को देखती और परछाई को पकड़ लिया करती थी। कहई छाह सक सोना उड़ाई, एही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुर तहि चीन्हा। अब जल में किसी की भी परछाई देखकर वो जो राक्षसी थी परछाई को पकड़ लिया करती थी और परछाई से खींच लिया करती थी, जिससे वो उड़ नहीं पाते थे और जल में गिर पड़ते थे और वो खींच खींच कर इस प्रकार सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। और उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत वीरा, पारि दिपार गायु मति धीरा। कहाँ जाए देखी बन शोभा, गूंजत चंचरिक मधुलोभा। अब यही कपट उसने हनुमान जी के साथ में किया। हनुमान जी की उसने परछाई पकड़ ली और हनुमान जी ने उसका कपट पहचान लिया और परछाई पकड़ के वो हनुमान जी को खींचे जा रही है। हनुमान जी प्रसन्न है, खींच ले बेटा खींच ले। और जैसे ही हनुमान जी उस राक्षसी के पास पहुंचे, हनुमान जी ने एक मुष्टि का उस राक्षसी के मारी और एक मुष्टि का इधर से मारी। दो घूसों में वो राक्षसी ढेर हो गई और राक्षसी मर गई। अरे भैया, सोच समझ के पंगा लेती, पंगा भी ले रही है किससे? हमारे राम दूत पवन पुत्र हनुमान जी से। तो पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार चले गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। अब वो सागर पार कर लिया है। मधु के लोभ से भौंरे गुंजार कर रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाय, खग मृग बृंद देखी मन भाय। शैल विकाल देखी एक आगे, कापर धाई चढ़ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। ये जो लंका है ना, कहाँ स्थित है? त्रिकूट पर्वत पर। हनुमान जी उस हिस्से में उतरते हैं जो हिस्सा त्रिकूट पर्वत का खाली है। और वहां पर कौन रहता है? वहां पर काल रहता है। हनुमान जी का सामना वहां पर किससे होता है? काल से। रावण की आज्ञा से वहां पर काल रहता है और उसकी आज्ञा है कि जो कोई भी जहां पर आ जाए उसको तुम खा जाना। तो अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं उस पर्वत पर। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्यागकर उस पर दौड़कर जा चढ़े। जिस त्रिकूट पर्वत की मैं बात कर रहा हूं वो यही त्रिकूट पर्वत है। मान कछु कपि कै अधिकाय, प्रभु पर ताप जो खाल ही खाय। गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देख, कहि न जाइ अति दुर्ग विशेष।
शिव जी कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, ये जो चमत्कार हो रहे हैं ना, इसमें वानर हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। अब वहां पर हनुमान जी उतर गए, उन्हें कौन मिला? काल। और काल हनुमान जी को खाने के लिए आ गया, लेकिन हनुमान जी ने काल को पकड़ा, घुमाया, अपने मुंह में डाल लिया और दांत किटकिटाने लगे। जो काल सबको खा जाया करता था, वो काल हनुमान जी के मुंह के अंदर है, दांतों से काल को चबा रहे हैं। बाप 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 चिल्ला रहा है कल काल। तो शंकर जी क्या कहते हैं? उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है, ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। अब ऐसी बात शंकर जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शंकर जी तो ही हनुमान जी हैं। हनुमान जी शंकर जी का अवतार हैं। बोलिए महादेव भगवान की जय हो, बजरंग बली हनुमान की जय हो। यह प्रभु का प्रताप है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने अब लंका देखी। काल को निपटाने के बाद लंका देख लिया, अब हनुमान जी को पर्वत से लंका नजर आ रही है। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अति उतंग चल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाश। राम से आराम से आराम जय जय राम, राम से आराम से आराम जय जय। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाश। राम से आराम जय जय राम, राम से आराम से आराम जय जय राम। ये जो त्रिकुट पर्वत है ना, बड़ा ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। सोने की लंका है ना वो, तो सोने के परकोटे यानी सोने की चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। आइए। कनक कोट बेचित्र मणि, कृत सुंदराय तना घना। चौहट हट सो बट विधि, चारूपुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर, पद चर रथ बरु थानिको गने। बहु रूप निश्चर जूत अति बल, सेन बर नत नाही बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, जो चार दीवारी है उस पे मणियां जड़ी हुई हैं, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं उस लंका के अंदर। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है, हाथी घोड़े खच्चरों के समूह, पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों में राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेनाओं वर्णन करते नहीं बनती, बड़ी बलवान सेना वहां पे नजर आ रही हनुमान जी को। बन बाग उप बन बाटी का, सरकूप बापिसो ही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोही। कहूँ माल देह विशाल, सैल
मन अति बल गजही नान अखारन भी रही बहु दिदि एक एकान तर जही। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं सजी हुई हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गरज रहे हैं, पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। वहां पे बहुत सारे पहलवान हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिसि रक्षही कहूँ महिष मानुष धेनु खर अजकल निसाचर भक्षही। एही लागि तुलसी दास इन्हा की कथा कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पै अही सही। मेरे राम 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 सीताराम 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 राम राम। कि वन बड़ा सुंदर है वहां पे कि भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा जतन करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। राक्षस है ना, तो क्या खा रहे हैं राक्षस लोग? भैंसे खा रहे हैं, मनुष्य खा रहे हैं, गाय खा रहे हैं, गधे खा रहे हैं, बकरे खा रहे हैं। नर पक्षी राक्षस हैं, मनुष्य को भी खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे, सब राक्षसों का संहार हो जाएगा, इसलिए मांसाहार नहीं खाना चाहिए। मांसाहार क्यों? क्योंकि मांसाहार खाना राक्षसों का स्वभाव है। मनुष्यों को मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए।